आपण युट्यूबला कनेक्टेड आहोत. हिंदी मध्ये करायचंय आपल्याला. सोहनजी चालू करायचं. सोहनजी हो करूयात. चालो. हा सुप्रिया. ओके चालेल सर. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. आयुर्वेद व्यासपीठ संचालित इस नेशनल वेबिनार में मैं वैद्य सुप्रिया कुलकर्णी आप सभी का तहे दिल स्वागत करती हूँ. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है. साल डेढ़ साल से इस बीमारी का इलाज सभी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कर रहे हैं. पेशेंट कोरोना से तो रिकवर होते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. आयुर्वेद व्यासपीठ ने जगह जगह पोस्ट कोविड क्लिनिक शुरू किए हैं. इस आपत की घड़ी में वैद्यगण देश की और आयुर्वेद की सेवा कर रहे हैं. पोस्ट कोविड हेल्थ चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस यह एक अध्ययन श्रृंखला है. यह हर मंगलवार को प्रसारित की जाती है. ये लेक्चर्स की श्रृंखला है. आज इसका दूसरा लेक्चर है. आज वैद्य संदीप जी जाधव मिकर माइकोसिस आयुर्वेदिक अप्रोच और रुग्णानुभव इस विषय के बारे में हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं. कार्यक्रम की शुरुआत हम धन्वंतरी स्तवन से करेंगे. धन्वंतरी स्तवन के लिए मैं वैद्य पंकज जी मुड़े को आमंत्रित करती हूँ. पंकज जी मुड़े सर लगभग 11 साल से औरंगाबाद में आयुर्वेदिक चिकित्सक है. उनका शाश्वत आयुर्वेदिक चिकित्सालय है. वो संगीत के विशारद भी है. मैं उनको धन्वंतरी स्तवन के लिए आमंत्रित करती हूँ. वैद्य पंकज जी मुड़े. नमामि धन्वन्तरि मादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुक्भयमृत्युनाशनम् धातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधदमृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरि विलसन् मौलिमं भोजने कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गम् कटितट विलसन् चारुपीताम्बरा वन्दे धन्वन्तरिम् निखिलगदवन प्रौढदावाग्नि लीलम्
यो विश्वं विदधाति पाति सततं संहारयत्यञ्जसा सृष्ट्वा दिव्यमहौषधीश्च विविधान् दूरीकरोति आमयान् बिभ्राणोऽञ्जलिना चक्रास्त्रिभुवानि पीयूषपूर्णं घटम् तं धन्वन्तरिरूपमीशममलम् वन्दामहे श्रेयसे वन्दामहे श्रेयसे वन्दामहे श्रेयसे बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके सुश्राव्य सुमधुर धन्वंतरि स्तवन से इस वेबिनार की मंगलमय शुरुआत हुई है। धन्यवाद मैम। आज वेबिनार का दूसरा लेक्चर है। पोस्ट कोविड उपद्रवों के लक्षण वैविध्यपूर्ण है। दौर्बल्य से म्यूकर माइकोसिस तक के लक्षण पोस्ट कोविड पेशेंट में पाए जाते हैं। पोस्ट कोविड पेशेंट्स मानसिक विकार के भी शिकार होते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर चालू है, लगभग खत्म हो रही है। पोस्ट कोविड म्यूकर माइकोसिस की बीमारी बढ़ रही है। कुछ रुग्णों की म्यूकर माइकोसिस के कारण मृत्यु भी हुई है। इम्यूनोकॉम्प्रेसेंट लोग ज्यादातर इस बीमारी के शिकारी होते हैं। म्यूकर माइकोसिस इज फंगल इन्फेक्शन। इसका शरीर में स्प्रेड बहुत तेजी से होता है। इसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। इट मोस्ट कॉमनली इन्फेक्ट द नोज साइनसेस आई एंड ब्रेन रिजल्टिंग इन रनी नोज फेशियल स्वेलिंग पेन हेडेक फीवर ब्लड विजन स्वोलन एंड बल्जिंग आईजेस लंग्स स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड स्किन में अफेक्ट। वेव सीरीज का आज का विषय है म्यूकर माइकोसिस आयुर्वेदिक अप्रोच व रुग्णानुभव और हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं वैद्य संदीप जाधव जी सर। मैं आपसे उनका परिचय करवाती हूँ। वैद्य संदीप जाधव सर ने एमएस शालाक्य नेत्र रोग तज्ञ किया है। सातारा महाराष्ट्र में उनका ऋषि प्रणीत आयुर्वेदीय नेत्र चिकित्सालय है। 2012 साल से वह इस चिकित्सालय की माध्यम से रुग्ण सेवा दे रहे हैं। उन्होंने चैतन्य आयुर्वेद महाविद्यालय साकेगांव भुसावल से आयुर्वेदाचार्य बीएएमएस की पदवी प्राप्त की है। उन्होंने श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर से एमएस की पदवी प्राप्त की है। उन्होंने वैद्य प्रताप जोशी सर वैद्य गाड़गिल सर वैद्य बीजी गोकुलन सर वैद्य हेमंत बाविस्कर सर वैद्य अनिरुद्ध काळे सर से आयुर्वेद का ज्ञान ग्रहण किया है। उन्होंने एप्थोल्मोलॉजी का मॉडर्न साइंस का ज्ञान नागपुर के डॉक्टर कमल छाबरा सर जो कि एमएस ऑफ्थल्म है उनसे किया है और डॉक्टर समीर रास्कर सर एमएस ऑफ्थल्म है उनसे भी वो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। उन्होंने भाग्यलक्ष्मी आई हॉस्पिटल नागपुर और लायंस आई हॉस्पिटल सातारा में चिकित्सक स्वरूप से काम किया है। मैं वैद्य संदीप जाधव जी को विनंती करती हूँ कि आज के व्याख्यान की वो शुरुआत करें। वैद्य संदीप जाधव सर नमस्ते। Am I audible? थैंक यू मैडम। तो सीधा विषय की शुरुआत करते हैं। आज का विषय है म्यूकर माइकोसिस। सबसे पहले गुरु नमन। जरा आवाज मोटा वाला पाहिजे। ओके आता येतो सर। हाँ ठीक है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी जो कोविड की वेव खत्म हो रही है उससे जो पोस्ट कोविड जो डिसीजेस हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो इन्फेक्शन है वो म्यूकर माइकोसिस जो कि
बहुत ही एक्यूट और प्राण का नाश या फिर इंद्रिय वैकल्य निर्माण करने वाला ऐसा कहा जा सकता है। एक फंगस है, इट्स अ माइक्रोबियल जीनस ऑफ अप्रोक्सिमेटली 40 स्पीसीज ऑफ फैमिली म्यूकोरसी एंड स्पीसीज आर कॉमनली फाउंड इन सोल सॉइल डाइजेस्टिव सिस्टम एंड प्लांट। द टर्म म्यूकोरमाइकोसिस इज द कॉमन नेम गिवन टू डिफरेंट डिसीजेस कॉज्ड बाय फंगाई ऑफ द ऑर्डर म्यूकोरेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक फंगस। ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये लाइफ थ्रेटनिंग इसलिए है क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्रोसिस, ये जो नेक्रोसिस है इट इज द रिजल्ट ऑफ इन्वेजन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड सबसिक्वेंट थ्रोम्बोसिस। और ये शिरोस्वित या शिरो भाग में जहाँ प्राण स्थित रहता है वहां पे ये ज्यादा इन्वेजन ब्लड वेसल्स में, वहां के ब्लड वेसल्स में ज्यादा इन्वेजन होने से ये प्राण का नाश करने वाला या फिर इंद्रिय वैकल्य करने वाला ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है। सर आवाज आ रही है ना मेरी ठीक से? हाँ आ रही है, बोलिए। सर आ रही है, आ रही है आपकी आवाज। ओके सुप्रिया जरा तू सावध रहा। हाँ बोलिए ना, आवाज आ रही है। ये जो ब्लैक फंगस है इट इज एंजियोट्रोफिक फंगस। जैसा मैंने पहले कहा ये सबसे ज्यादा वेसल्स को इन्फेक्ट करता है। सर आपके स्लाइड दिखना बंद हो गया है। हाँ सर, फिर से क्या शेयर कीजिए, क्या करना है सर? स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके एक इंफार्क्शन, endothelial venous damage, aneurysms, and gangrene. It is obligate, aerobic, and non-septic fungus. It has irregular hyphae. तो ये hyphae जो रहते हैं उसके ये बढ़ते जाते हैं। उसका जो main nutrition है वो ferrous से मिलता है जो अपने blood में रहता है। हम अभी जो देख रहे हैं, जो भी आज डिस्कस कर रहे हैं, ये सब अभी तक किया हुआ, अभी तक मुझे जो भी मेरे जो अराउंड 27 केसेस हुए म्यूकोरमाइकोसिस में उसके फाइंडिंग्स है और वो आयुर्वेद के हिसाब से क्या है वो देखने के लिए हम पहले थोड़ा ये बेसिक मॉडर्न के कुछ फैक्ट्स है वो पहले देख लेंगे और वो फैक्ट्स से ऊपर हम आयुर्वेद व्यू उसका क्या होता है और उसमें कैसे चिकित्सा की जाती है उसका डिस्कशन करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम थोड़ा ये मॉडर्न का जरा फास्ट रिव्यू ले लेते हैं। ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये सिर्फ आंखों में या फिर सिर्फ राइनस सेरेब्रो राइनल ऐसा नहीं रहता, ये पल्मोनरी क्यूटेनियस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और डिसमिनेटेड मतलब स्प्लीन हार्ट यहाँ पे भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। आज जो हम देखने वाले हैं ये सेरेब्रो राइनो ऑर्बिटल म्यूकोरमाइकोसिस ऐसा है, इसे हम शॉर्ट में CROM ऐसे कहते हैं। जहां जब कोविड ये कॉज नहीं रहता तो प्री कोविड कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं म्यूकोरमाइकोसिस में, उसमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, उसके साथ कैंसर्स लिम्फोमास जैसे हॉडकिंस डिसीज, सम किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, एड्स, लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, सिरोसिस,
एनर्जी माल न्यूट्रिशन एंड अदर हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज, ये सब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है जो प्री कोविड यानी कोविड नहीं हुआ होगा फिर भी इन कारणों से म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। मॉडर्न साइंस में तो इतना कहा जाता है कि अगर एक हद पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है यानी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो उसे और उसका मेंटल स्टेटस इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होने के बाद वो पूरा हम ट्रीट करने के बाद भी नॉर्मलाइज नहीं हो रहा है तो उसे म्यूकरमाइकोसिस के लिए टेस्ट किया जाता है। तो ये मेंटल स्टेटस को भी हानि पहुंचा रहा है। ये जो हम सीआरओ की आज बात करेंगे तीन स्टेजेस में शरीर में फैलता है। तो पहले जो रहता है इन्फेक्शन ऑफ नेजल म्यूकोसा एंड साइनसिस, सेकंड जो रहता है वो ऑर्बिटल इनरोलमेंट जिसमें ऑर्बिटल एपेक्स सिंड्रोम जैसे बहुत दुर्धर व्याधियां दिखती हैं, और तीसरा है जो सेरेब्रल इन्वॉल्वमेंट। नेजल म्यूकोसा और साइनसिस की जब इन्वॉल्वमेंट रहती है तब जो लक्षण आते हैं वो बेसिकली हेडेक, नेजल और साइनस कंडीशन, वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग, ब्लैक लीजन्स ऑन नेजल ब्रिज और ऑन अपर साइड ऑफ द माउथ दैट क्विकली बिकम्स मोर सीवियर, आई स्ट्रेन, पेन एट टीथ साइड, जॉ बोन एंड लूजनिंग ऑफ द टीथ। इसके अलावा एपिस्टैक्सिस, ग्रैनुलर और प्यूरिनरी नेजल डिस्चार्ज और कई पेशेंट में हेमिप्लेजिया और स्ट्रोक या फिर डिक्रीज्ड मेंटल फंक्शन जैसे कि मैंने अभी कहा, ये ऐसे लक्षण नेजल स्टेज में यानी जब म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन पैरानेजल साइनसिस और यहाँ पे होगा तब आ सकते हैं। यहाँ पे CTPNS या MRI-PNS में एकदम स्टार्टिंग फेज में थिकनिंग ऑफ नेजल म्यूकोसा ऐसा इंप्रेशन आ जाता है। इसका ड्यूरेशन है वो फ्यू डेज से फ्यू वीक तक रहता है, जनरली ये यूनिलैटरल रहता है, अनलाइक कोरोना ये इन्फेक्शियस या कॉन्टेजियस डिसीज नहीं है, जैसा कोरोना फैल रहा है उस तरह ये म्यूकरमाइकोसिस नहीं फैल सकता। ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट जब भी होती है तो ये पैरानेजल साइनसिस से होती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली हो जाती है, उसमें कोई भी क्लिनिकल इन्वॉल्वमेंट साइनस या नोज की नहीं रहते। बहुत सारे पेशेंट्स में ये यूनिलैटरल रहता है। और एक कोविड जब नहीं था तब एक बहुत पहले यानी एक हिस्ट्री उसकी बहुत ज्यादा मायने रखती थी, वो थी टूथ एक्सट्रैक्शन। टूथ एक रहता था और टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद म्यूकरमाइकोसिस बहुत ज्यादा जल्दी फैलता है। ये सब फैक्ट्स हम अभी इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें इसका आयुर्वेद व्यू या फिर आयुर्वेद में इसकी कहाँ तक व्याप्ति है वो हमें आगे जाके डिस्कस करना है। इसमें ब्लैक नेक्रोटिक टिश्यू ये इसका एक क्लिनिकल साइन है। एक्चुअली ये ब्लैक नेक्रोटिक टिश्यू पहले ऐसा रिजेमल करता है कि जैसे कोई ड्राइड ब्लड हो, ऐसा पेशेंट को पहले या फिर कभी कभी क्लिनिकल यानी वैद्य को भी ये भ्रम हो सकता है कि ये कुछ ड्राइड ब्लड नाक में है, इस ऐसा दिखता है, लेकिन ये ब्लैक नेक्रोटिक टिश्यू रहता है। ये नेजल सेप्टम, टर्बिनेट्स या फिर पैलेट में भी ऑब्जर्व हो सकता है। उसके साथ इस्केमिक नेक्रोसिस एट द बोन एंड कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज ऑफ द एफेक्टेड एरिया, वहां पे ये दिखते हैं। जब ये साइनसिस में हो और वहां से ऑर्बिट में ट्रेवल हो तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में और उसके साथ उस जगह का इन्फार्क्शन ऑफ आई लीड्स और ऑर्बिटल कंटेंट्स ये भी इस फंगस इन्फेक्शन में दिखते हैं। ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट जब भी होती है तब टोसिस ये बहुत प्रथम लक्षण है। शोथ की वजह से पहले टोसिस एक लक्षण आता है, फिर वात जब हो जाता है तो सीवियर केसेस में भी टोसिस एक अलग तरह का लक्षण आता है। ये टोसिस दो तरह से इस म्यूकरमाइकोसिस में दिखाई देता है, प्रोप्टोसिस यानी आंखें बाहर आई हुई ऐसे दिखना, लॉस ऑफ एक्स्ट्राऑक्युलर मसल फंक्शंस, विजन डिस्टर्बेंसेस और एक्यूट विजन लॉस, ड्रेनेज ऑफ ब्लैक पस फ्रॉम द आई, इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ, ऑप्थल्मोप्लेजिया, हेडेक
ऑर्बिटल सेलुलाइटिस और वो मे बी अकॉम्पनीड विद इन्फार्क्शन, इन्फार्क्शन ऑफ लीड्स एंड ऑर्बिटल कंटेंट्स। इसके साथ पेरी ऑर्बिटल स्किन डिस्कलरेशन भी होता है, कीमोसिस, उससे बहुत ये बिभत्स लक्षण आ जाता है। कीमोसिस मतलब कंजेक्टिवा के नीचे फ्लूइड जमा होने के बाद, यानी वो एक तरह की शोथ रहता है और वो आंखें फूल गई है ऐसा दिखता है। कॉर्नियल एडिमा, डिप्लोपिया और एडवांस स्टेजेस में सेंट्रल रेटिनल आर्टेरियल ऑक्लूजन, इंटरनल कैरेटिड आर्टरी ऑक्लूजन या फिर कैवर्नस सावस थ्रोम्बोसिस, इस तरह ये इन्फेक्शन फैलता जाता है। सेरेब्रल इन्वॉल्वमेंट में मेनली एक्सटर्नल ऑप्थल्मोप्लेजिया, ये टोटल और पार्शियल होता है। जब ये ऑर्बिट से सेरेब्रल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तब ये या एक तो ऑप्थल्मिक आर्टरी से होती है या फिर सुपेरियर ऑर्बिटल फिशर से या फिर ये स्लिपरी फ्रॉम प्लेट्स जो रहती है उसमें ऑर्बिटल एपेक्स से पेरिन्यूरल चैनल्स से ये सेरेब्रल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। इसमें इमेजिंग स्टडीज जब सेरेब्रल इन्वॉल्वमेंट में हम करते हैं तो उसमें म्यूकोजल थिकनिंग और चेंजेस इन फ्लूइड लेवल्स, एयर फ्लूइड लेवल्स ऐसा दिखता है या फिर बोन डिस्ट्रक्शन भी ये इंप्रेशन आ जाता है। इन्फार्क्शन ऑफ फ्रंटल लोब्स बहुत ज्यादा इसमें दिखता है। ऑर्बिटल एपेक्स सिंड्रोम और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस विथ विजन लॉस, अगर ये कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है और विजन लॉस नहीं है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहा जाता है। विजन लॉस विथ सीएसटी ऐसा रहेगा तो ये म्यूकरमाइकोसिस का निदान होता है। उसके साथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल क्रैनियल नर्व्स, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जैसे वेसल्स को डैमेज कर रहा है उसी तरह ये क्रैनियल नर्व्स को भी डैमेज कर देता है और ये परमानेंट डैमेज रहता है, इसलिए ये बहुत ही आशुकारी और घातक व्याधियों में इसकी गणना की जाती है। अभी हम थोड़ा कोविड और म्यूकरमाइकोसिस, ये जो बेसिक लक्षण थे ये हमने देखे इसका थ्री स्टेज में कैसे ये पूरे शरीर में पूरे ऊर्ध्व शरीर भाग के शरीर में फैल जाता है। इसके जो कोविड पोस्ट कोविड रिस्क फैक्टर्स है वो क्या है तो बेसिक है अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। ऑडियो इज नॉट क्लियर ऐसा चैट बॉक्स में आ रहा है, एक मिनट मैडम। हेलो अभी आ रहा है? नहीं सर। अभी आ रहा है? हाँ आ रहा है अभी, क्लियर आ रहा है अभी। ओके ठीक। तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या फिर हाइपरग्लाइसीमिया इसका बहुत मेन रीजन है एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, ये सब हम कोविड में देखते हैं। ये इंक्रीज सीरम फेरेटिन है, ये फेरस जो है ये इसका खाद्य है इस म्यूकस का, म्यूकरमाइकोसिस का, इस फंगस का, इसलिए इंक्रीज सीरम फेरेटिन लेवल इन म्यूकरमाइकोसिस के लिए बहुत घातक है। फिर बाकी जो चीजें हैं वो हम यानी लॉजिक से ये कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो कोविड में होता है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग्स से डिसरेगुलेशन ऑफ इनेट इम्यून रिस्पॉन्स विच लीड्स टू सिलियरी डिसफंक्शन, साइटोकाइन स्टॉर्म, थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन और माइक्रोवैस्कुलर कोएगुलेशन, इन चीजों से जो इम्यून एग्जॉस्ट हो जाती है उसकी वजह से ये फंगस शरीर पे डोमिनेट हो जाता है। जब डायबिटीज हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा तब ये कीटोएसिडोसिस की कंडीशन रहेगी, तब आयरन मेटाबॉलिज्म इन्फेक्ट होता है और ये आयरन यानी फेरस ही इस फंगस को बढ़ाने के लिए कारण हो जाता है। तो इस तरह से कोविड बहुत ज्यादा यानी बहुत ज्यादा मात्रा में ये कारण हो सकता है कि कोविड में यूज किए हुए मेडिसिन और उसके बाद इम्यूनिटी कम हो गई है, यानी न्यूट्रोपेनिया जैसी कंडीशन यानी न्यूट्रोफिल्स कम हो गई है उस कंडीशंस में ये म्यूकरमाइकोसिस का जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ जाता है।
जैसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा तब फ्री आयंस बिकम रेडिली अवेलेबल इन द सीरम एंड इट इज द फूड फॉर ब्लैक फंगस. ऑल्सो जब हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा तब ये GRP78 यानी ग्लूकोज रिलेटेड प्रोटीन जो है उसका रिस्पॉन्स इंक्रीज होता है. जब इसका ये एक तरह का ये जो मॉलिक्यूल है वो अपने सेल्स वॉल में रहता है, जो फोल्डिंग और अनफोल्डिंग प्रोटीन्स की जो फोल्डिंग और अनफोल्डिंग प्रोसीजर है उसमें उसका रोल है. उसकी वजह से ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर डिसफंक्शन मतलब न्यूट्रोपेनिया हो जाता है. तो ऑल्सो न्यूट्रोपेनिया इम्यूनोकॉम्प्रेसिव ड्रग्स की वजह से भी हो जाता है. तो ये दोनों चीजों की वजह से जब इम्यून सिस्टम हमारी कॉम्प्रेस हो गई है तब ये फंगस शरीर पे डोमिनेट होने के लिए जगह मिल जाती है. तो इस तरह से ये मॉडर्न का जो हमने देखा एस्पेक्ट उसे हम अभी आयुर्वेद में क्या कह सकते हैं इससे रिलेट करेंगे थोड़ा. तो अगर हम वेगली देखे तो ये राग स्त्राव शूल शोथ युक्त ऊर्ध्वजत्रुगत स्थान में संश्रय ली हुई आशुकारी संप्राप्ति है. हमें ज्यादा वक्त नहीं मिलता ये ट्रीट करने के लिए. तो आयुर्वेद में इसके जो मेन फीचर्स है ये आशुकारी संप्राप्ति है, ये मर्म का उपघात करती है. दृष्टि की वजह से हम ज्यादा आज फोकस कर रहे हैं इसलिए ये लिंगनाश इसका बहुत मेन फीचर हो जाता है. और इसके जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हम आयुर्वेद में कहेंगे जो भी अभी तक हमने जो बहुत ही ऊपर ऊपर जो इसे देखा है मॉडर्न साइंस में, तो आयुर्वेद में वही डीप जाने से हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्लेद वृद्धि, वात और पित्त क्षीण यानी वात और पित्त का स्टिमुलेशन खो जाना और रस और रक्त का सार संवहनन कम हो जाना, ये तीन चीजें हमें ज्यादा दिखती है इस म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट में. तो हमें जब भी आयुर्वेद में इसका विचार करना है तो कोविड के बाद जो शरीर की स्थिति है वो ज्वरित ही रहता है, वो जीर्ण ज्वर रहता है. क्योंकि जो भी पेशेंट कोविड होने के बाद डिस्चार्ज हो गए हैं वो ज्वर का पाचन जो हम आयुर्वेद वैद्य करते हैं उस तरह से उनका हुआ नहीं रहता, वो दोष उसी मार्गों में हिडन रहते हैं और वो जीर्ण ज्वर ही उपद्रव स्वरूप में ये आगे की संप्राप्ति कर देता है. दूसरी कंडीशन हमें ज्यादा दिखाई देती है वो है आहार. यानी कोविड हो गया है अभी हम डिस्चार्ज हो गए तो अभी हमें फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए. इसलिए गुरु आहार विरुद्ध आहार, जिसको पेशेंट को कुछ पता नहीं रहता कि क्या खाना है, वो पनीर एग्स या फिर नॉनवेज बहुत मात्रा में खाना शुरू कर देते हैं सीधा सीधा. फिर कोविड कितने देर तक रहा और उसमें आधुनिक औषधियों का कितना यूज हुआ जो अभी हमने देखा, और मानसिक और शारीरिक लक्षण ये भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है कि किस तरह से ये म्यूकोरमाइकोसिस आगे बढ़ेगा. तो अभी हमारा ये प्रमुख पार्ट है कि क्लासिकल टेक्स्ट क्या कहते हैं म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में या फिर हमें क्या क्या मिलता है हमारे ग्रंथों में. तो पहले जो लक्षण आते हैं वो शोथ स्वरूप रहते हैं, यूनिलैटरल शोथ रहता है. तो शोथ के अगर हम हेतु देखेंगे तो उसमें जो प्रमुख दो हेतु है रोग उपवास और अतिकर्षितस, अतिकर्षण और रोग से अतिकर्षण और उपवास से अतिकर्षण, ये जो दोनों हेतु है वो शोथ के हैं जो हमें कोविड पेशेंट में बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं. और अष्टांग संग्रह में जो टीका दी है शोथ की उसमें संग्रहकार लिखते हैं कि अन्यच मिथोपक्रांता ते दोषाः वक्षसि स्थिताः ऊर्ध्वशोफम. और उसकी टीका में उन्होंने कहा है कि वक्षसि स्थिता शरीरस्य पूर्व भागे शोफम कुर्वन्ति. जब दोष वक्षस्थित रहते हैं तब शरीर के पूर्व भाग में शोफ निर्माण करते हैं. उसी तरह हम उसी अगर तरह से देखेंगे तो चरक सूत्र स्थान त्रिशोथी अध्याय में विसर्प के बारे में चरक कहते हैं कि यस्य पित्तम प्रकुपितम
सरक्तम त्वचि सरपति शोफम सरागम जनयत विसर्प तस्से जायते। तो ये जो एक देश जो श्रोत है ये इस तरह से विसर्प विसर्पण करते हुए ऊर्ध्व चतुर्गत संप्राप्ति यानी ऊर्ध्व चतुर्गत स्थान संश्रय ले लेता है। केन्त शीर्षे अध्याय में उसी का पहला अध्याय जब शिरोरोग के बारे में चरक लिखते हैं तो उसके बहुत सारे हेतु है लेकिन दुष्ट आमात मनस्तापात और गंधात असात्म्यात ये बहुत जगह पेशेंट को हमें पेशेंट के बहुत सारे पेशेंट में ये देखने को मिला कि आम बहुत ज्यादा है मनस्ताप बहुत हुआ रहता है और गंधात असात्म्यात यानी ये जो हॉस्पिटल में रहते हैं उस तरह से और फिर पेशेंट को खुद को ही वो बहुत ज्यादा कंप्लेंट रहती है कि अभी जो है ना वो उसको अरति या फिर बेचैनी महसूस होती है। उसे अगर अच्छी तरह से अच्छे वातावरण में रखा जाए तो उसे ठीक लगता है। ये थोड़ा अलग विषय है इंद्रिय तक जाता है। तो ये जो हेतु है उन हेतु से शिरसी अश्रु को प्रदुष्यति ऐसा रेफरेंस दिया हुआ है कि शिर स्थित जो अश्रुक है उसका यानी वो उसका प्रदोष इन हेतुओं से हो सकता है। और उससे क्या हो सकता है तो अर्धाव भेदक इत्यादि शिरो के रोग हो सकते हैं। उसके साथ प्रतिशाय मुख नासा अक्षी कर्ण रोगा और शिरोभ्रमा ये अक्षी रोग मुख और नासा के रोग उससे हो सकते हैं। और उससे भी आगे जाके विविधाश्च अपरे रोगा वातादि कृमि संभवा तो यहाँ पे आगे जाके कृमि की संप्राप्ति हो जाती है। उसी अध्याय में प्रमेह और प्रमेह के उपद्रवों के बारे में भी ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ है तो वो भी संप्राप्ति कैसे कैसे होती है हम देखेंगे। तो जैसे शिर में संप्राप्ति होती है उसका जो बेस है वो ज्वर है। ज्वर के साथ दूसरा बेस है वो है प्रमेह। प्रमेह मतलब हाइपरग्लाइसीमिया या फिर डायबिटीज की तरफ मैं नहीं देख रहा। जो संप्राप्ति दी है निदान स्थान में उसे हम ज्यादा डील करेंगे। तो पित्त क्षय जो है उसमें पित्ते मंदोने लहा शीतम प्रवाहानि तो प्रवाहानि की तरफ हम ज्यादा देखेंगे। ये जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग्स है उससे हमारी जो इम्यूनिटी शांत हो गई है न्यूट्रोपेनिया हो गया है। ये जो हमारा पित्त कर्म का पित्त का जो अग्नि कर्म ये काम है वो कम हो जाता है। जैसे ही शरीर में ये पित्त दोष जो है वो अग्नि का काम करता है मतलब कन्वर्जन का काम करता है। तो सिर्फ कन्वर्जन ही नहीं करता असात्म्य जो चीजें हैं उनका पाचन भी ये पित्त ही करता है। तो शरीर में जो भी हमारे रेगुलरली बैक्टीरियल फंगल वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं उनसे लड़ना इस पित्त का यानी वो अग्निकर्म करना बहुत प्रमुख काम है। शरीर पहले हमेशा न्यूट्रिटिव बारे में सोचेगा नहीं, शरीर हमेशा प्रोटेक्टिव ज्यादा सोचता है। तो उसका पहला काम रहता है कि शरीर से बाहर से जो भी आगंतुज व्याधि आ रहे हैं या फिर आगंतुज घटक आ रहे हैं उनका पाचन करना। तो पित्त मंद हो गया है मतलब ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है अपना इम्यून का वो कम हो गया है। तो जैसे पित्त का काम कम हुआ तो श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते यानी जो कफ का उदक कर्म है उसको काउंट्रैक्ट करने वाला कोई रहता नहीं वहां पे। तो श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते उस श्लेष्मा की वजह से जो सप्रकोपित जो निदान में लिखा है प्रमेह के सप्रकोपित मतलब ये जो श्लेष्मा प्रकोपित हुआ है क्षिप्रमेव शरीरम विसृप्तिम लभते शरीर शैथिल्यात जो पहले हो चुका है ज्वर और आगे देखेंगे हम पांडु की वजह से क्योंकि जब भी शोध आता है तो शोध पांडु का उपद्रव रहता है और ये जो शरीर शैथिल्य है पांडु का बहुत ही मेन फीचर है। तो शरीर शैथिल्यात सविसर्प शरीरे मेद सेवा आदि तो मिश्री भावम गच्छति मेद का जो कर्म है वो दृढ़ीकरण है। मेद जब तक बद्ध है तब तक शरीर को दृढ़ता है और जब अबद्ध मेद हो जाता है जैसे हम प्रमेह देखते हैं कि बहुद्रव श्लेष्मा या फिर अबद्ध मेद का बद्धत्व नष्ट हो जाना उसकी वजह से दृढ़ता शरीर की कम हो जाती है। दृढ़ता मतलब जो लड़ने की ताकत है वो भी हम कह सकते हैं। तो मेदसश्च बहु अबद्धत्वात् मेदसश्च गुणे ये जो कफ है वो मेद से मिश्रीभूत हो जाता है और उसकी वजह से शरीर में क्लेद वृद्धि हो जाती है। और वो क्लेद जैसे हमें पता है सबको कि
केदारी कुल्या न्याय का जो केदारी कुल्या न्याय से जो पोषण होता है मेद तक, और मेद से जो अस्थियों का पोषण होता है वो उपस्नेह न्याय से होता है। तो वहां से वहां पे अवरोध हो जाने से मेद से ही उदावर्त यानी उल्टी गति से जब दोष जाते हैं तो मेद से पहले जाएंगे मांस में, तो मांस और मेद दोनों में भी क्लेद निर्माण हो जाता है। तो ये प्रमेय की बेसिक संप्राप्ति हमें यहाँ पे शीतम प्रभा हानि का बेस लेके, यानी शीतम प्रभा हानि होने से आगे ये संप्राप्ति हो जाती है। और ये जब मांस में ज्यादा देर तक स्थिर रहेगी, मांस और मेद में दोष स्थिरता होते हैं तब स्थिर हो जाते हैं, तब मांस प्रदोष में पूति मांस पीड़िका और प्रमेह पीड़िका उनका जनन हो जाता है। तो उसमें जो प्रमेह पीड़िका कही गई है उसमें से जो आखिरी पीड़िका है वो है विद्रधि, जो हमें म्यूकर माइकोसिस में आंखों के भाग में दिखाई देती है, वो संप्राप्ति हो गई हुई। तो प्रमेह जो विद्रधि जो प्रमेह में हो जाती है वो दुष्ट रक्ताति मात्रत्वात् सवय विधायते तत शीघ्र विधायित्वात् विद्रधि इत्यभिधीयते। ये जो विद्रधि है उसमें कफ प्रधान पित्त ऐसी ये रहती है, यानी पित्त का सिर्फ उष्मा रहता है, उसमें जो मेद में या फिर जो बद्धत्व कम हो गया है उसमें एक द्रवता हो जाती है, और रक्त की वजह से उसमें पाक ये लक्षण दिखता है। विसर्प की संप्राप्ति जो पहले घटती है वो पित्त प्रधान कफवात ऐसी रहती है, जबकि उससे भी पहले जो शोफ रहता है वो कफ प्रधान वात पित्त इस तरह से रहता है। ये संप्राप्ति आगे जाने के बाद जो क्लेद है वो क्लेदों का कृमि में यानी क्लेद की वजह से कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। तो कृमि जो रहते हैं हम दो तरह से बोलते हैं, जो हम हेलमिंट्स बोलते हैं जंत वो पैरासाइट्स है, और कृमियों को हम बैक्टीरिया वायरस फंगस इनकी गणना में लेते हैं। क्रमेण चंक्रमते इति कृमि, ये जो कृमियों का शरीर से संपर्क होता है तो सबसे पहले श्लेष्मधारा कला से हो जाता है, यानी आंखों से नाक से जो भी बहिर्मुख स्रोतों से हो जाता है, तो उसे पहले श्लेष्मधारा कला से निपटना पड़ता है। ये कृमियों का संक्रमण श्लेष्मा, उसके बाद श्लेष्मज कृमि के बाद रक्तज कृमि फिर मलज कृमि और पुरुषज कृमि, इस तरह से ये क्रम रहता है। तो श्लेष्मधारा कला के बाद कला में शरीर का प्रतिरोध नष्ट होने के बाद ये अश्रुग को दूषित करता है, और ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये अश्रुग में ज्यादा अपना लक्षण दिखाता है। तो उसके जो लक्षण है जो ग्रंथों में बताया है वो कुष्ठ समान समुत्थानम, उसका स्थान रक्तवाहिनी और धमन्या है। अतिवृद्धा नाम च, अगर ये अतिवृद्ध है तो उसके साथ रक्तवाहिनियों के साथ त्वक सिरा स्नायु मांस और तरुणास्थि भक्षणम भी करते हैं। जब अभी हमने मॉडर्न साइंस के जो देख रहे थे हम पीपीटी, उसमें हमने बोन और कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन देखा है, वो हम रक्तज कृमियों का परिणाम है ऐसा मानते हैं। शिरोरोग के अध्याय में जहाँ पे शिरोरोग के बाद ही चरक सीधा कृमियों का वर्णन करते हैं उसमें तत शिरसी संक्लेदात कृमया पाप कर्मणा जनयंती शिरोरोगा जाता बिभत्स लक्षणम ऐसा कहा हुआ है। और ये कुष्ठ ये प्रमेह रहेगा या फिर कृमि रहेगा उनका जो हेतु सेवन है वो जो हमने पहले देखा कि कोविड से डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट अपनी तरह से आहार विहार यानी मनपुतम समाचार ऐसा आहार शुरू कर देता है, तो तिलक क्षीर गुड़ाजीर्ण पुती संकीर्ण भोजन, ये संकीर्ण भोजन बहुत ज्यादा हेतु है प्रमेह का भी कुष्ठ का भी और ये रक्तज कृमियों का भी। तो उसकी वजह से क्या होता है, तो क्लेदो अश्रुक कफ मांसानाम दोषलस्य उपजायते, मतलब क्लेद बढ़ जाता है और अश्रुक कफ और मांस में दोष बहुलता हो जाती है। हम देखेंगे बिभत्स लक्षणम ऐसा चरक जी ने कहा है, तो बिभत्स लक्षण की टीका भी ग्रहणादिभ्य पुयादि प्रवृत्ते ऐसा कहा है। तो ये शिरोरोग है, जो शिरोरोग अश्रुक प्रदूषणम है और अश्रुक प्रदूषण अश्रुक जो शिरस्थित अश्रुक प्रदूषित हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, ताकि ये संप्राप्ति यहाँ पे विसर्पित हो गई है वक्ष से मतलब पूरे शरीर से, और ये जो संप्राप्ति को विसर्पण मिला है वो जो हम कहते हैं कि ज्वर और पांडु मतलब ज्वर जीर्ण ज्वर से
जो शरीर का अतिकर्षण हुआ उसमें एक छोटी सी संप्राप्ति पांडु की और पांडु से उपद्रव उत्पन्न हुआ शोथ, ये शोथ पूर्व भाग में शरीर के ज्यादा आ जाता है और उसके बाद विसर्पित होके ऊर्ध्व चतुर्गत ये स्थान संश्रय ले लेता है। एक बार स्थान संश्रय लिया तो विद्रदी कृमि इस तरह के सब लक्षण आ जाते हैं। मतलब ये सब बताने का हेतु यही है कि हम इसको किसी एक चीज से नहीं नाप सकते कि ये विसर्प है या फिर ये शोथ है या फिर ये सिर्फ कृमि है। हमें ज्वर से लेकर ये कृमियों तक सब कुछ कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि पेशेंट आपके तरफ किस लक्षण को लेकर किस अवस्था में आएगा उस तरह से चिकित्सा बदलेगी। लेकिन हमें पहली वाली चीजें यानी जीर्ण ज्वर वगैरह और पेशेंट शोथ किस अवस्था में आ गया तो आगे होने वाली यानी कृमि और कुष्ठ जैसे जो लक्षण आने वाले हैं वो दोनों कंसिडर करने पड़ते हैं। और ये जो अभी तक बताया इन सबका जो यानी इन सबका लैंडिंग जो है ये अंततः वात शोणित की तरह लक्षण दिखाते हैं। उसमें भी रक्तज वात शोणित यानी ये रक्तज वात शोणित की तरह ज्यादा बिहेव करता है। ये संप्राप्ति अंशांश कल्पना है एक ही डिसीज की। जैसे जब रक्तज वात शोणित या फिर संसर्गज वात शोणित आगे बढ़ जाता है तो अष्टांग संग्रहकार लिखते हैं कि रक्त मार्ग निहंत्याशु शाखा संधिशु मारुता निविश्य अन्योन्यम आवार्यम वेदना भी हरियत सुन। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि रक्त का मार्ग ये दोषों से बंद हो जाता है। ये वात शोणित रक्त मार्ग बंद करके वायु का मार्ग बंद करके वायुओं के आवरण पैदा कर देता है और मृत्यु तक ये बात आ जाती है। तो जैसे हमने अभी देखा दिस म्यूकर इज अ एंजियोट्रॉफिक फंगस, तो इसका जो यानी अफेक्शन है वो ज्यादा ब्लड वेसल्स की तरफ है, ब्लड वेसल्स से भी ब्लड वेसल्स का जो इलास्टिक लैमिना है उसकी तरफ है और उसमें भी स्पेशली आर्टरीज और वो आर्टराइटिस इंड्यूस करके वैस्कुलर ऑक्लूजन्स तैयार कर देता है। उसी को हम करते हैं कि रक्त मार्ग बंद हो गया और वैस्कुलर ऑक्लूजन्स की वजह से जो भी आगे हो रहा है इश्चेमिया हो जाएगा या फिर नेक्रोसिस हो जाएगा, इन्फार्क्शन हो जाएगा, एंडोथेलियल वेनस डैमेज हो जाएगा या फिर कुछ एनियोरिजम्स वगैरह दिखेंगे। ये सब चीजें ये वात और शोणित दुष्ट की वजह से, ये जो कृमि शोणित को दुष्ट कर देते हैं बाद में और वात का मार्ग रोक देते हैं उसकी वजह से ये आगे की संप्राप्ति घटती है। जैसे ये आवरण कर देता है वात शोणित तो हम देखेंगे कि प्राण का जब ये आवरण करेगा तो उसमें चक्षु आदि नाम उपघातम प्रवर्तयेत, ऐसा वाग्भट जी ने वात शोणित के अध्याय में कहा है। जैसे ये यानी एक थोड़ा सा सिंपल भाषा में जो अभी हुआ उसमें सिंपल भाषा में हम बताएंगे तो वात जो है वो पूर्व शरीर का धातु व्यूह करहा संधान करहा ऐसा कहा है, वो वही कर्ता धरता है। तो ये इम्यूनो कॉम्प्रेस हो जाता है मतलब ये वात इस तरह स्टिम्युलेट होना ही बंद हो जाता है कि बाहर से फंगस आ गया है उससे स्टिम्युलेट होके पित्त को यानी वात के हाथ में दो इंस्ट्रूमेंट है पित्त और कफ, जो वात पित्त के साथ पित्त से अग्निकर्म करवाता है और उदक से कफ से उदक कर्म करवाता है। तो ये अग्निकर्म करवाना ही उसका बंद हो गया, वात स्टिम्युलेट होना बंद हो गया। तो वात पित्त क्षय उसी अध्याय में जो केयंत शीर्षी अध्याय है जब जो हम अभी पहले से देख रहे हैं शिरोरोग कहे उसमें उसी में कृमियों का वर्णन है, उसी में प्रमेह और विद्रधि का वर्णन है और उसी में क्षयों का वर्णन है। तो वात पित्त क्षय और कफ का प्रकोप जब रहेगा तो वहां पे एक लक्षण आया है कि चेष्टा प्राणनाशनम। तो जब भी ये सेरेब्रल इन्वॉल्वमेंट रहेगी तब सब चेष्टा और प्राणनाशनम ये दोनों लक्षण हमें अलग अलग तरह मॉडर्न के यानी सेवर कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस रहेगा, ऑप्थल्मोप्लेजिया रहेगा, इस तरह से दिखाई देने लगते हैं। तो हमें एक ऑल ओवर कंक्लूड करने के साथ मैं ये बताता हूँ कि पहले जब भी म्यूकर माइकोसिस को हम देखेंगे तो पहले देखना है ज्वर, ये ज्वर का उपद्रव स्वरूप हुआ डिसीज है, उसमें अल्पकाल के लिए जो भी पांडु हो जाता है जिसे हम ज्वर या फिर जीर्ण ज्वर की वजह से डायग्नोस कर नहीं सकते या फिर हम उसको ज्वरोत्तर दौर्बल्य कह के छोड़ देते हैं, उससे संप्राप्ति जो घटती है पांडु का उपद्रव शोथ
और शोध के आगे विसर्प विद्रति। इसलिए वाग्भट जी ने ये अध्याय भी एक ही साथ में दिए हैं, पांडु शोध विसर्प। और आगे जाके ये सब जो प्रकरण है वो वात शोणित और अन्यन्य आवरण ऐसे लक्षण दिखाते हैं, और उनको जो बेस रहता है वो कुष्ठ और कृमि, क्योंकि ये मांस और मेद में जब क्लेद पड़ा रहेगा तो कृमि और कुष्ठ के लक्षण आएंगे। लेकिन हम सिर्फ कृमि या फिर विसर्प इस तरह पे कॉन्सेंट्रेट न करते हुए जब भी चिकित्सा करेंगे तो ज्वर से लेकर कृमि तक सब चीजों का ध्यान रखते हुए, सब चीजों की जो अंशांश कल्पना कहते हैं हम, अंशांश संप्राप्ति, यानी यथा दुष्टेन दोषेण यथा च अनुविसर्पिता, जिस तरह से ये दोष या संप्राप्ति घट रही है, किस तरह से ये बढ़ रही है, इसका विचार करेंगे तब हमें इसका क्लियर पिक्चर नजर आएगा। क्योंकि मुझे बहुत यानी बहुत जगह हम डिस्कस की, जब भी डिस्कशन हुआ तब इसको हम कुछ एक नाम दे के उसको ट्रीट करना ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन किसी एक नाम से न देखते हुए इसको अलग अलग संप्राप्तियों के रूप में देखना आवश्यक है। जैसे हमारे आदरणीय गुरुवर्य वैद्य धर्माधिकारी सर कहते हैं कि ये जो निदान स्थान में अध्याय दिए हैं या फिर चिकित्सा स्थान में अध्याय दिए हैं, ये अध्याय अध्याय नहीं है, ये संप्राप्तियां हैं। जैसे डेविडसन और हैरिसन में डिसीजेस दिए रहते हैं, वैसे ऋषि मुनियों ने हमें डिसीजेस नहीं दिए हैं, उन्होंने हमें संप्राप्तियां दी है, और ये संप्राप्तियां साधारण है, उससे हम आप और भी संप्राप्तियां जान ले। इसलिए जो भी व्याधि है वो भी यानी इन्फिनिटी कितने अगणित हो सकती है, संप्राप्तियां मिश्र हो सकती है, जैसे समस्ता नाम व मिश्री भावात, ऐसा एक सूत्र है कि मिश्र संप्राप्तियां दिखने लगती है। हर एक पेशेंट को अलग अलग चेक करके, हर एक पेशेंट को अलग अलग देख के फिर कंक्लूजन निकालना चाहिए कि ये म्यूकर माइकोसिस मॉडर्न का डायग्नोसिस है, लेकिन हमारे आयुर्वेद के हिसाब से ये किस तरह जाता है। फिर भी जो उसका बेस है वो कियंत शीर्षी अध्याय में बहुत प्रमुखता से मिलता है, जो हमने अभी देखा। अभी हम थोड़ा शालक्य की तरफ बात कर रहे हैं, तो शालक्य की तरफ से देखेंगे। हालांकि ये जो चीजें है शालक्य, ये सिर्फ नामकरण के लिए मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि जो पहला अध्याय है सुश्रुत उत्तर तंत्र का, उसका नाम ही औपद्रविकम अध्यायम ऐसा है। और वहां पे डल्हन जी ने लिखा भी है कि सर्वोपद्रव चिकित्सार्थ उत्तर तंत्र आरंभ हा, क्योंकि अब जो भी मैं इससे आगे बताने वाला हूँ, ये सब उपद्रव स्वरूप व्याधियां निर्माण हो रही है। हम जैसे हम शालक्य का यानी जब भी दृष्टि का आंखों के संबंधित डिसीजेस का लेक्चर रहता है, तब मैं हमेशा बताता हूँ कि आप अगर दृष्टि रोग प्रतिषेध अध्याय निकाल के देखेंगे या फिर कोई भी अभिषंद की चिकित्सा का अध्याय निकाल के देखेंगे, तो उसमें सिर्फ स्थानिक उपचार दिए हुए हैं, अभ्यंतर चिकित्साएं है ही नहीं, एकाध कुछ मेडिसिन दिया होगा। तो ऐसा नहीं है कि अभ्यंतर मेडिसिन देना नहीं है। सुश्रुत जी ने कंसिडर किया है कि आपको काय चिकित्सा बहुत अच्छी तरह पता है, क्या क्या संप्राप्ति घट रही है वो अच्छी तरह पता है, उसका हमने विश्लेषण भी किया है, चिकित्सा भी दी है। अभी जो स्पेशल चिकित्सा इस भाग के लिए ऊर्ध्वांग के लिए करनी है वो हम अभी बता रहे हैं। तो उसकी इसी की वजह से जो इससे पहले जो स्लाइड्स हुई वो ज्यादा महत्व रखती है, सिर्फ स्थानिक रोगों के लिए, यानी उसका जो बहुत बहुत छोटा छोटा स्पेसिफिकेशन रहता है उसके लिए ये शालक्य के वर्ड जो है वो महत्व रखते हैं। तो उसे वर्तमगत संप्राप्ति रहेगी तब उत्कृष्ट वर्तम या फिर स्थानिक विद्रधि, वातहत वर्तम, कफज अभिषंद और कफज अधिमंत की तरह जो लक्षण है वो, और शुष्काक्षिपा, ये लक्षण वर्तमगत संप्राप्ति में दिखते हैं। वही दोष तिमिर यानी दृष्टिगत हो गए तो फंगल विट्राइटिस, एमडॉप्थल्माइटिस या फिर एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट्स, ऑप्टिक डिस्क एडिमा, ऑप्टिक डिस्क उसके बाद में अट्रोपी भी होती है, सेंट्रल रेटिनल आर्टेरियल ऑक्लूजन, डिप्लोपिया, इस रूप में हम उसको यानी दृष्टिगत व्याधियों के रूप में ये लक्षण दिखाई देते हैं। जब ये सर्वगत लक्षण आ जाते हैं तब ऑर्बिटल सेल्युलाइटिस की तरह वो सिराहर्ष, सशोफ पाक, हतादिमंत, वातहत वर्तम, अक्षिपाकत्य के जैसे लक्षण दिखते हैं। ये जो वातहत वर्तम है उसका सुश्रुत जी ने निदान स्थान के पहले अध्याय में भी वर्णन किया है कि शुद्ध वातहतम पक्षमम कृच साध्यतमम विदु साध्यम अनेन संयुक्तम असाध्यम क्षय हेतु का। तो यहाँ वहां पे जो टोसिस मतलब वातहत वर्तम कहना है उन्हें, वो वात व्याधि के रूप में, तो उन्होंने क्षय हेतु का ऐसा शब्द यूज किया है
कि वात का जो क्षय हो जाता है उसमें वातहत वर्त्मा आ जाता है। तो ये टोसिस जो हमने कहा ये दो तरीके से है, एक तो शोथ की वजह से ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स हो जाता है, और दूसरा जब ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है वेसल्स को और नर्व्स को डैमेज करता है उसके बाद जब टोसिस लक्षण आता है वो अलग टोसिस का लक्षण है। विमुक्त संधि निश्चेष्टहीनम वातहितम हितत, ऐसा सुश्रुत जी वातहत के बारे में उत्तर तंत्र में लिखते हैं। तो वही जो हमने कहा चक्षुरादिनाम उपघाता, ये जो संप्राप्ति है उसी को हम शालाक्य में अम्लाधिषित अधिमंत और हताधिमंत की तरह से देखेंगे। उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल ऑप्थल्मोप्लेजिया, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम जिसमें क्रैनियल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट भी रहती है और ऑर्बिटल कंटेंट की भी इन्वॉल्वमेंट रहती है, वो ऑर्बिटल एपेक्स सिंड्रोम या फिर सुपीरियर ऑप्थल्मिक वेन थ्रोम्बोसिस या फिर अभी कहा हुआ CST यानी कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस विद विजन लॉस। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है और विजन लॉस नहीं है तो ये बैक्टीरियल पैथोलॉजी रहती है। विजन लॉस होगा तभी होगा जब ये फंगल पैथोलॉजी रहेगी। तो इस तरह से ये शालाक्य में इसका हम वर्गीकरण करते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि पांडु से लेकर संप्राप्ति आगे बढ़ जाती है, ज्वर पांडु और उसके आगे कुष्ठकृमि या फिर वातशोणि तक, उसी तरह शालाक्य में ये प्रायण सर्व रोगा अभिषंद निमित्त मूला, अभिषंद से शुरू होकर हतादिमंत तक, या फिर इसमें दो रहते हैं अभिषंद से अन्यतोवाद अम्लाद्यूषित और अधिमंत, ये जब सुपीरियर लक्षण रहेंगे मतलब आईलिड्स या फिर ऑर्बिटल के बाहर के जो भाग है वहां से इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। लेकिन कई पेशेंट्स में हमने देखा है कि पहले विजन लॉस हो जाता है और बाकी के लक्षण बाद में आ जाते हैं, तो उसमें ये अभिषंद अन्यत्वात अम्लाद्यूषित और जो ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट रहेगी तब उत्कृष्ट वर्त्मा सशोफ पाक अम्लाद्यूषित और फिर आगे जाके ये लैंड होना है होने वाला है हताधिमंत में। अधिमंत और हताधिमंत से जब दृष्टि नाश हो जाएगी तब उसे हम लिंग नाश कहेंगे। मतलब डिसीज स्पेसिफिकेशन नहीं है, जो भी स्पेसिफिकेशन है वो संप्राप्तियों का है। संप्राप्ति कैसे कैसे आगे बढ़ रही है इसको हम बारीक नजर से देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो पूर्वार्ध में सुश्रुत जी ने कहा है वही स्पेसिफिक नेम्स देके शालक्य में कहा है। तो इसीलिए पहले की जो स्लाइड्स थी वो ज्यादा महत्व रखती है कि जीर्ण ज्वर से लेकर शोथ पांडु शोथ और विसर्प और उसके बाद आखिरी में वातशोणित। तो इसी तरह से जैसे ही हमने अभी संप्राप्ति देखी तो हम सब वैद्य है तो चिकित्सा का एक हमें ये आ जाता है पूरा कि क्या क्या कर सकते हैं। तो जीर्ण ज्वर हर चिकित्सा, दूसरा क्लेद की तरफ ध्यान रखना है क्योंकि ये सन्निकृष्ट हेतु है। ज्वर हम थोड़ा विप्रकृष्ट कहेंगे क्योंकि सभी लोगों को जीर्ण ज्वर में म्यूकरमाइकोसिस नहीं होता, उसके बाद ये निमित्त कारण कर देते हैं क्योंकि खाना शुरू कर देते हैं, विरोधी अन्नपान बहुत रहता है, गुरु अन्नपान रहता है जिसकी वजह से क्लेद निर्माण हो जाता है और जीर्ण ज्वर का पाचन किया हुआ नहीं रहता, जीर्ण ज्वर की चिकित्सा हुई नहीं रहती उन लोगों की, इसकी वजह से ये क्लेद और बढ़ जाता है, अग्निमंद ही रहता है और क्लेद को स्थान मिल जाता है। तो जहां क्लेद होंगे वहां पे कृमि हो जाएंगे। तो रस रक्त और मज्जा का सार सहनन ठीक करना, उनका क्षय जो है वो नष्ट कर देना और जो उसके बाद कृमि हो गए हैं तो उनकी अलग से चिकित्सा करना है। तो औषधि कल्पों के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि हर वैद्य के प्रैक्टिस में जो भी कल्प रहते हैं उसके हिसाब से हर संप्राप्ति में यूज कर सकते हैं आप। ये जो अभी जो आपको दिख रहे हैं वो मैंने यूज किए हुए कल्प है अभी तक की चिकित्सा में, सिर्फ ये ही नहीं बहुत सारे हैं लेकिन स्लाइड में इतने सब नहीं लिख सकते, लेकिन ये प्रमुख कल्प है कि जो मैंने अभी तक यूज किए हैं। तो औषधिक कल्पों में मैं पहले से ही, यानी आयुर्वेद का ऑप्थर्म का भी कोई लेक्चर रहेगा तो कल्पों में ज्यादा रुचि नहीं रखता, वो हर वैद्य अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अभी हम स्थानिक चिकित्सा क्या करते हैं तो आश्वतन बिड़ालक पिंड और उपनाह ये इंपॉर्टेंट है, और आंखों की कोई भी यानी तिमिर का लक्षण रहेगा तो पहले उसका रक्तमोक्षण करना बहुत जरूरी है। तिमिर के वातज रहे पित्तज रहे कफज रहे कौन सा भी तिमिर रहेगा तो पहली ट्रीटमेंट है सिराव्याध, तो रक्तमोक्षण करके जो ऊर्ध्वगामी दोष है उनका गतिभेद करना है। जैसे सिरा अनुसारी भी दोष है विगुणे ऊर्ध्वम आगते जायन्ते नेत्र भागेषु रोगा परम दारुणा, तो सिरा अनुसारी दोष जब भी ऊर्ध्व भाग में जा रहे हैं तो उनका गतिभेद करना है
तो सुश्रुत जी ने दो ट्रीटमेंट पहले दिए, रक्तमोक्षण और विरेचन। एक्यूट स्टेज में रक्तमोक्षण बहुत जल्दी रिजल्ट दे देता है, ऐसा विरेचन उसको ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये थोड़ा प्रैक्टिकल चीज है कि हम कब पेशेंट को और कैसे ट्रीट कर रहे हैं, तब हम विरेचन कब देना है कब नहीं देना है। लेकिन किसी भी हालत में कहीं पे भी पेशेंट हो तो उसका रक्तमोक्षण जरूर कर लेना है। नेत्र विशिष्ट कर्म में जब हम मेडिसिन का बात करेंगे तो आश्चोतन के लिए त्रिफलाक्वात, पिंड करने के लिए त्रिफला ही, या फिर शिग्रु, या फिर विश्व मतलब सुंठ और निम्ब, एक भाग सुंठ और दो भाग निम्ब। बिड़ालक के लिए ये चरक जी का बिड़ालक है, और गंडुष के लिए त्रिफलाधार भी मधु, इनका गंडुष। ये सब स्थानिक इसलिए है कि वहां की श्लेष्मल धरा कला है वो अच्छी रहनी चाहिए। स्थानिक चीजों का काम उतना ही है, क्योंकि वो लोकल इम्यूनिटी है, वो लोकल इम्यूनिटी वहां पर लोकल इम्यूनिटी वहां पे ज्यादा रोल नहीं कर रही, क्योंकि लोकल इम्यूनिटी पहले ही हत हो चुकी है। वहां पे जो हिस्टोसाइट्स रहेंगे वहां पे पहले ही हार मानी हुई है उन्होंने। सेंट्रल इम्यूनिटी जो रहेगी, जब व्हाइट ब्लड सेल्स को कॉल किया जाएगा तब न्यूट्रोपेनिया रहेगा, न्यूट्रोफिल्स आएंगे नहीं, तब ये फंगस बढ़ेगा। इसलिए स्थानिक चीजें स्थानिक जो है वो फंगस यानी वहां के कृमियों को नष्ट करने के लिए है, लेकिन बेसिक ट्रीटमेंट रहेगी वो अभ्यंतर ट्रीटमेंट रहेगी। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से हम देखेंगे तो पहले कोई भी पेशेंट पोस्ट कोविड रहेगा तो उसकी जीर्ण ज्वर की चिकित्सा हमें एज अ वैद्य ध्यान में रख के करनी है। और जीर्ण ज्वर की चिकित्सा करते वक्त हमें जो सबसे ज्यादा पॉइंट स्ट्राइक हुआ वो है कि चिंता और भय, ये उदक वस्त्र दुष्टि का कारण है, औष्णात आमात भयात। तो ये भय जो है, बहुत पेशेंट को मनस्ताप हुआ रहता है, चिंता ग्रसित रहता है, उन पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो समुपदेशन मतलब काउंसिलिंग की तरफ भी उतना ही ध्यान देना है जितना हम आहार और मेडिसिन की तरफ देंगे। और ये बाह्य स्रोत मतलब श्लेष्मल कला की प्राकृत द्रवता और स्निग्धता, जो दृढ़ता हम कह रहे थे कि मेद की जो स्निग्धता रहती है वो ही दृढ़ता रहती है, वो दृढ़ करने के लिए पोस्ट कोविड पेशेंट को निम्बादि कषाय, नस्य, आश्चोतन, ये धूम और शिरोभ्यंग, ये हम एडवाइस कर सकते हैं। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में जितना अभ्यंतर का महत्व है उतना ही ये स्थानिक चीजों का भी महत्व है। मैं अंजन के बारे में ज्यादा नहीं ये करूंगा, क्योंकि अंजन बहुत ही यानी ऑब्जर्व करके करने वाली चीज है। अंजन इतना यानी अगर पेशेंट को कुछ लक्षण नहीं रहेंगे तो सवीर अंजन आप कर सकते हैं, लेकिन जब दोष आंखों में रहेंगे तो अंजन नहीं कर सकते, या फिर पेशेंट ऑलरेडी ज्वरित रहेगा तो अंजन नहीं कर सकते। उसकी जगह हम आश्चोतन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आश्चोतन मतलब जैसे हमारे शरीर की सबसे बेसिक यानी स्ट्रगल करने वाली यानी बाहर के इन्फेक्शन को रोकने वाली सबसे प्रमुख चीज कौन है, तो त्वचा है। त्वचा में जो स्वेद है वो स्वेद का काम ही दृढ़ रहता है, वो स्वेद ही थर्मोरेगुलेशन करता है, कब शीतता चाहिए, कब औष्ण चाहिए, कब ऑस्मोलरिटी मेंटेन करनी है। तो ये आंखों का जो स्वेद है वो अपने अश्रु है, तो वहां पे अश्रुओं में जो भी लोकल इम्यून सेल्स रहती है वो बाहर से आने वाली इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा फाइट करती रहती है। तो ये अश्रुओं का पीएच मतलब हम उसको पंचभौतिक में अश्रु की क्षारीयता बोलते हैं, वो मेंटेन रखनी है। और उसको मेंटेन रखने के लिए त्रिफला का फांट जो दातार शास्त्री जी ने यूज किया है उससे बढ़िया और दूसरा मेडिसिन नहीं है। तो ये आंखों के लिए त्रिफला फांट अश्चोतन या फिर नेत्र धावन वही काफी रहता है। और बाकी सब बाह्य स्रोत की श्लेष्मल कला के लिए गंडूष, नस्य, ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर मेडिसिन लिखे हुए हैं, लेकिन हम अपनी संप्राप्ति देख के यूज कर सकते हैं। अभी हम थोड़े से केसेस देखेंगे कि कैसे कैसे ये केसेस क्लियर हुए हैं। मेरे पास जो भी केसेस है वो मोस्ट ऑफ द केसेस आर एडमिटेड इन कोविड वार्ड या फिर एनी हॉस्पिटल, तो वहां पे चिकित्सा ना इतना सुकर नहीं है, या फिर वो पेशेंट मेरे हॉस्पिटल में आके क्लिनिक में आके एडमिट वगैरह है, ऐसी बात नहीं है। ये जो भी चिकित्सा है वो सब वो पेशेंट एडमिट है, उनके मेडिसिन शुरू है, ऐसा कंसिडर करके दी गई है। तो इसलिए उनके ज्यादा केस पेपर या फिर फॉलोअप ऐसी बात यानी ये ज्यादा पेपर वर्क है नहीं उसका।
तो ये जो पेशेंट है वो एक्यूट की तरह आते हैं, चार पांच दिन में उनका जो भी डिसीजन होना है वो हो जाता है, या एक तो कवर हो जाते हैं या फिर सर्जरी की तरफ चले जाते हैं और फिर आयुर्वेद ट्रीटमेंट से बाहर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही आशुकारी, यानी ऐसा हो रहा है कि आयुर्वेद वैद्यों को बहुत आशुकारी चीजों से डील करने बहुत ज्यादा चांस नहीं मिलते, लेकिन एक दो महीने से बहुत ज्यादा बार आशुकारी चीजों से डील करने का चांस मिला है। तो ये 63 इयर्स मेल था, ये कोविड पॉजिटिव और एडमिट था कोविड वार्ड में, और उसको एक्यूट विजन लॉस हुआ, उसको कुछ शोथ की संप्राप्ति नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, आंखों में कुछ दिख नहीं रहा है, रेडनेस नहीं है, और एक्यूट विजन लॉस मतलब उसको सामने रखा हुआ टिफिन भी नहीं दिख रहा है, ऐसा जब उन्होंने कंप्लेंट की तो उसने तो वो डॉक्टर्स ने सीटी स्कैन पीएनएस करवा लिया, तो इथमॉइड साइनोसाइटिस ऐसा उसका इंप्रेशन आया। तब वो पेशेंट को कोविड वार्ड से हटा के उन्होंने कहा कि आप हायर सेंटर लेके जाओ, हायर सेंटर में आपको म्यूकर माइकोसिस की ट्रीटमेंट लेनी ही पड़ेगी क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज म्यूकर माइकोसिस है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा ये साइनस से ही जाता है, साइनस और नेजल क्लिनिकल साइंस नहीं आते, डायरेक्टली ऑर्बिटल साइंस आ जाते हैं। तो ये एक्यूट विजन लॉस का पेशेंट था, तो इसको ऑलरेडी ऑक्सीजन यानी O2 SpO2 भी मेंटेन नहीं हो रहा था। ये पेशेंट डिस्चार्ज हुआ, जो हायर सेंटर गया वहां पे भी उसको बेड नहीं मिला, तब उन्होंने आयुर्वेद मेडिसिन के लिए सोचना शुरू कर दिया। ये आयुर्वेद मेडिसिन जब हम सभी वैद्य अच्छी तरह से कोविड की चिकित्सा कर रहे हैं, हमने सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म और शीतोपल आदि चूर्ण शुरू कर दिया, श्वास का चिंतामणि उसके साथ शुरू कर दिया, उसके बाद वो जब बेड नहीं मिला तो रिटर्न आया तो उसका पहले जो बेड था वो भी चला गया, तो पूरा दिन ये पेशेंट हॉस्पिटल के बाहर बैठा हुआ था और जो मैंने बाजू में मेडिसिन लिखे हैं वो ले रहा था। जब उसको दूसरे दिन बेड मिला, बेड मिलने के बाद जो दिन भर वो बाहर रह गया था, तो वहां पे हमने एक वैद्य अरेंज किया, वैद्य ने उसका रक्तमोक्षण किया, रक्तमोक्षण के बाद ये मेडिसिन शुरू कर दिए, और जो पहले दिन जो एक दो दिन पहले उसको दिख नहीं रहा था, वो एडमिट होने के बाद दूसरे दिन उसको पूरी तरह मतलब एकदम छोटे छोटे अक्षर भी फाइल के वो पढ़ लेता था, तो दो दिन के ट्रीटमेंट में ही उसका जो विजन लॉस था वो कवर हो गया। अगर ये पेशेंट इसी तरह मॉडर्न के तरफ जाता तो उसको एंटीफंगल 30-30 या फिर 40-40 टाइम्स एंटीफंगल्स वगैरह शुरू हो जाते। तो हम जितना जल्दी आयुर्वेद ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतना जल्दी वो क्लियर हो जाते हैं। तो जो भी ट्रीटमेंट लिखी है उसमें वात पित्त का जो रिस्पॉन्स स्टिमुलस कम हो गया है उसको स्टिम्युलेट करना, रक्त और रस का क्षय सार सहनन ठीक करना, वो सारीवा मंजिष्ठा और गुड़ुचे और हम पांचभौतिक में गिरिज सुवर्ण गिरिज बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्लेद निहरण करने के लिए श्व हरड़ो और मूत्र विशोधन कषाय, काच यापन ये वाग्भट जी का अंजन है, काच यापन अंजन उसे हम त्रिफला अर्क में डायल्यूट करके पेशेंट को कम समय के लिए दे देते हैं जब इस तरह से डिस्टेंस पेशेंट ट्रीट करना हो तब। तो ये इस तरह की चिकित्सा से सिर्फ दो दिन में ये पेशेंट की विजन भी कंप्लीट हो गए, अभी एक महीना हो गया उसके बाद उसको कोई सिम्टम नहीं है, वो कोविड से भी वो एक 5-6 दिन बाद डिस्चार्ज हो गया और उसके बाद उसके सिम्टम कुछ बढ़े नहीं। ये उनके रिपोर्ट्स है कि उनको सस्पेक्टेड म्यूकर माइकोसिस कहा गया था और शिफ्ट किया गया था। ये दूसरी केस है, ये भी फॉर्चुनेटली एलोपैथी के पास गई नहीं इसलिए सबसे ज्यादा जल्दी कवर हो गई। ये पेशेंट को जब ये पोस्ट कोविड पेशेंट था 45 इयर्स का और अचानक से एक्यूटली उसको ये सिम्टम दाह टोसिस और ये सब लक्षण लेके वो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के पास गया। ऑप्थल्मोलॉजिस्ट ने कहा कि ये म्यूकर माइकोसिस है और आपको जाके ENT से सब जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो अभी के अभी आप करवाइए। फॉर्चुनेटली इनके एक दोस्त आयुर्वेद वैद्य थे, उन्होंने उसी टाइम वो उस हॉस्पिटल से सीधा आयुर्वेद हॉस्पिटल में लेके आए। हमने देखा जो भी हमने अभी संप्राप्ति दी है वो संप्राप्ति के हिसाब से उनको डायग्नोस किया और उपनाह अमृता कैशव त्रिफला पथ्यदि और ये जो भी पहले केस में हमने बताई थी ये क्लेद हरण चिकित्सा श्व हरणु सूत शेखर ये चिकित्सा के साथ उनको शुरू किया। उपनाह जो आदरणीय जमदग्नि सर जिस तरह से उपनाह करते हैं उस तरह से हमने आंखों में उपनाह किया। तो पेशेंट सेकंड डे में उसकी आंख पूरी तरह खुल गई और 6 डे तक नॉर्मल हो गई। ये एक्चुअली पेशेंट के लिए
बहुत ज्यादा ये नहीं था कि अच्छा तो ठीक हो गया, लेकिन म्यूकर माइकोसिस सस्पेक्ट अगर ये हो जाता, सस्पेक्ट था, ये इन्वेस्टिगेशन करके करने के लिए 3-3 दिन लगा देता, ये तब बहुत ज्यादा जल्दी इन्वेस्टिगेशन नहीं होते थे 1-1.5 महीना पहले, तो ये श्योरली किसी यानी हायर चीज में लैंड हो जाता। ये तीसरी केस है, ये बहुत दिनों तक चली, यानी 1-1.5 हफ्ता तक। ये 68 ईयर्स फीमेल, ये घर में हमें ट्रीट करने मिली, ये मध्य प्रदेश के हमारे एक मित्र है, उनके सहयोग से हम ट्रीट कर रहे थे। तो ये भी 68 ईयर्स फीमेल, पोस्ट कोविड हाइपरग्लाइसेमिक वामनेत्र शोथ आ गया और स्वाप गौरव चिमचिमायन ऐसे लक्षण दिखने लगे। तो रक्तमोक्षण से शुरू किया, अभी जो चिकित्सा जो बताई उसके साथ पथ्यादि लघु सूचकर मेदोपाचक क्लेदहरण, ये जो भी मैं मेडिसिन बता रहा हूँ ये सब पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री लेके उनका उदर परीक्षण करके अग्नि या फिर क्षुधा मल अनुलोमन देख के अभ्यंतर चिकित्सा दी गई है। कोई म्यूकर माइकोसिस की खास चिकित्सा ऐसा नहीं है, लेकिन उसका फॉर्मेट इस तरह से है। रक्तमोक्षण करने के बाद थोड़ा बहुत मुख भाग के लक्षण कम हो गए, लेकिन डिप्लोपिया शुरू हो गया, डिप्लोपिया बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। फिर वो उस पेशेंट को एम्स में एडमिट किया गया और एम्स में एडमिट करने के बाद उन्होंने सर्जरी का निर्णय लिया कि ये म्यूकर माइकोसिस है, इसका 2 दिन में हम सर्जरी करेंगे, लेकिन पेशेंट विलिंग नहीं था, वो खुद के रिस्क पे डिस्चार्ज हो गए। फिर हमने उसका जुगुलर वेन से, जब से नानाजी हमारे आदरणीय प्रता जोशी जी करते थे, तो जो जुगुलर वेन से रक्तमोक्षण करने का डिसीजन लिया। रक्तमोक्षण करने के बाद उनका डिप्लोपिया रिजोल्व हुआ, उसके साथ हमने कृमियों की चिकित्सा भी की, आरोग्यवर्धिनी कृमिकुटोर और रसमाणिक्य वो किया, और डिप्लोपिया उनका पूरा चला गया और सर्जरी कैंसिल हो गई। जो उन्हें कहा था कि 2 दिन में हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि सर्जरी आप कब कर रहे हैं ऐसा, तो सर्जरी पूरी तरह कैंसिल हो गई। तो ये दो जो ये जो केसेस है ये पूरी तरह हमें खुद से ट्रीट करने को मिली। उसके बाद बाकी भी बहुत सारे पेशेंट हो गए हैं लेकिन वो कोविड में एडमिट हैं। बहुत सारे पेशेंट पोस्ट स्क्रैपिंग मैंने सर्जिकल डिब्रैंडमेंट होने के बाद आयुर्वेद लेने के लिए आए हैं, वो स्टेबल हैं। बहुत सारे पेशेंट हैं कि वो नहीं कर पाए। हम कब तक पेशेंट ट्रीट कर सकते हैं? तो जब तक ये लेख्य व्याधि नहीं हो जाता। सुश्रुत जी ने वर्तमगत जो आजार व्याधि लेख्य कहे हुए हैं, तो लेख्य रोगों में जब तक ये संप्राप्ति लैंड नहीं होती तब तक ये आयुर्वेद चिकित्सा से हम कर सकते हैं। लेखन भी हम आयुर्वेद चिकित्सा से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंस्टीट्यूट या फिर उस तरह की सिस्टम लगेगी, या अगर ऐसा वैसा रहेगा तो वो भी लेखन करके हम म्यूकोरमाइकोसिस का एंड तक पूरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी ओपीडी के लेवल पे हम, जब तक वो सब वैद्यों के लिए ये मेरा ये रहेगा सलाह कि सब जब तक ये पेशेंट लेख्य व्याधि नहीं हो जाता तब तक हम आयुर्वेद ट्राई कर सकते हैं। एक बार ये लेख्य व्याधि हो गया तो तत्र धन्वंतरिणाम अधिकारा करके सर्जन को वो सौंप देना चाहिए। तो इस तरह से अब तक आए हुए मुझे अनुभव मैंने आपके साथ शेयर किए। ये शेयर करने के लिए आयुर्वेद व्यासपीठ ने मुझे ये मंच प्रदान किया, इसलिए मैं आयुर्वेद व्यासपीठ का शतशः आभारी हूँ। थैंक यू, ओवर टू यू मैडम सुप्रिया मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ऑडिबल, हेलो, यस मैम, हाँ या, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इट वॉज रियली अ वेल स्टडीड एंड वंडरफुल लेक्चर। आपने बहुत ही विस्तार से वर्णन किया म्यूकर माइकोसिस के बारे में, मॉडर्न साइंस में जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में भी आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, और म्यूकर माइकोसिस का जो आयुर्वेदिक व्यू है उसके बारे में भी आपने बहुत ही विस्तार से हमें ज्ञान दिया। ग्रंथ के आधार पर बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया आपने। आज का व्याख्यान बहुत ही लाभदायक और चिकित्सा में मार्गदर्शन रहेगा। आज इस वेबिनार का दूसरा व्याख्यान संपन्न हुआ। अगले मंगलवार को इसी समय अगला मार्गदर्शक व्याख्यान संपन्न होने वाला है। वैद्य यश वेलणकर सर पोस्ट कोविड में होने वाली मानसिक व्याधि और उसकी चिकित्सा के बारे में हमें मार्गदर्शन करेंगे। आज इस वेबिनार में शामिल हुए सभी वैद्यों को मैं धन्यवाद देती हूँ, और आज का कार्यक्रम यही समाप्त हुआ ऐसा मैं घोषित करती हूँ। धन्यवाद सर।